दोस्तों कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से सेफ रहने के लिए डॉक्टर्स ने दो वैक्सीनेशन को प्रिपेयर किया है जिसका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोस्तों अगर आपकी भी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है तो इन दोनों वैक्सीनेशन को आपको लगाना बहुत जरूरी है ताकि आप इस महामारी से सुरक्षित रह सके। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इन दोनों में से किसी एक भी वैक्सीन को नहीं लगाया है और अगर आप उस वैक्सीन को अभी लगाना चाहते हैं तो आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद ही आप किसी भी एक वैक्सीन को या फिर अपनी दूसरी या पहली वैक्सीन को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने नहीं आता है तो बस इस वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आरोग्य सेतु ऐप के मदद से कैसे वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये समझाने के लिए कि कैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे, सबसे पहले मैं आपको अपने फोन के स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सबसे पहला लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले आपको इस ऐप को ओपन करना है, फिर आप इस ऐप को यानी आरोग्य सेतु को कौन से भाषा के साथ यूज करना चाहते हैं आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट किया है और अगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं आपको समझ नहीं आ रहा है तो वापस आप बाजू में एकदम राइट में एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करके वापस हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना प्रीफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके फोन के इस ऐप में एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक आई एग्री का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अलाउ कर देना है। फिर दोस्तों आप इस ऐप को या फिर आपका जो भी मेन फोन नंबर है आपको वो फोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपने जो भी फोन नंबर डाला होगा उस फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस फोन नंबर पे एक ओटीपी आया है और इस ओटीपी को सेम टू सेम आपको कॉपी कर लेना है या फिर आपको पढ़ लेना है और वापस आपको उस ऐप में जाना है आरोग्य सेतु ऐप में और जो भी आपका ओटीपी है उस सेम ओटीपी का आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों 6 डिजिट का ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, फिर कुछ ही देर में आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। दोस्तों इस यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लू कलर का आ रहा है, यहाँ पे मैं इसे कट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको 6 से 7 कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर सही सही दे देना है। तो नीचे आपको मैं कुछ 2 आंसर देके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ पे मैं लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप भी लेटर पे क्लिक करना चाहते हैं तो आपको लेटर पे क्लिक कर देना है। फिर कुछ ही देर में आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल के आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है वैक्सीनेशन के लिए तो आपको एकदम टॉप पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे 3rd ऑप्शन एक वैक्सीनेशन का है, उस वैक्सीनेशन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ थोड़े ही देर में एक नया पेज खुल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपका एकदम मेन फोन नंबर है, जो आपके हर वेरीफाई मतलब आप जो भी आपका प्रूफ रहता है आधार कार्ड ये सब, वहाँ पे जो भी फोन नंबर रजिस्टर है वो फोन नंबर डाल के वेरीफाई करना है। फिर वापस यहाँ पे आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगा, जैसा कि मेरे सामने भी मेरे फोन नंबर डालने के बाद ओटीपी आया है, ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फोन नंबर से जो एक इंसान है वो वैक्सीनेशन हो चुका है, यहाँ पे स्टेटस के नीचे वैक्सीनेटेड लिख के आ गया है। अगर दोस्तों आप किसी और को वैक्सीन करवाना चाहते हैं यानी वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशियरी का, आपको इस क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे एक बार सिंपली क्लिक करना है। फिर आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ही देर में एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जैसा कि अभी मेरे फोन पे आया है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक सिलेक्ट का सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप किसी एक प्रूफ को दे देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और बहुत कुछ। दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि आधार कार्ड तो आपको मतलब लगभग आपके पास हमेशा रहता ही है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नीचे आधार कार्ड का या फिर आपने जो भी प्रूफ सिलेक्ट किया है उसका आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है। फिर आपने जो भी प्रूफ सिलेक्ट किया था उस प्रूफ पे जैसा आपका नाम लिखा है सेम टू सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। फिर इसके नीचे आपको सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके नीचे आपको अपना बर्थ डेट का साल लिखना है, यानी आपने जो भी साल में जन्म लिया था वो साल आपको लिख देना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना आप जो भी साल लिख रहे हैं वो सेम साल आपके प्रूफ पे आपका रहना चाहिए। फिर इसके नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, गो बैक और सबमिट का। आपको यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा देर का कुछ प्रोसेस होगा, फिर आप जो बेनिफिशियरी ऐड कर रहे थे यानी जो एक इंसान को अपने फोन नंबर में ऐड कर रहे थे वो ऐड हो जाएगा। फिर अभी आपको वैक्सीनेशन का शेड्यूल मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपका जो भी नाम आपने मतलब अभी अभी ऐड किया है या फिर आपका जो पहले से ऐड रहेगा अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ शेड्यूल वैक्सीनेशन का एक ऑप्शन है, सबसे पहला नीचे 3 बटन में जो सबसे पहला बटन है उस शेड्यूल वैक्सीनेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा देर कुछ प्रोसेस लेगा, यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिन कोड का, यहाँ पे आपको अपना
पिन कोड लिख देना है और यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेट के नीचे फ्री और पेड। अगर आप फ्री सेवा लेते हैं तो जो भी आपके आसपास का जो भी आपने पिन कोड डाला है उसमें जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेंगे जहाँ पे आपको फ्री सेवा मिलेगा वहाँ पे ही आप जा सकेंगे। और अगर आप पेड सिलेक्ट करते हैं तो आप जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहेंगे आपके आसपास आप वहाँ पे जाके भी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। अगर आप पेड सिलेक्ट करते हैं तो आपके पिन कोड के आसपास यानी आपने जो भी पिन कोड डाला था उस एरिया में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहेंगे आप वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन लगवा पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चार्ज यानी 250 रुपए के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं फ्री पे सिलेक्ट करके फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पे क्लिक करता हूँ। फिर इसके नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके जो भी पिन कोड के आसपास जो भी आपने फ्री या पेड सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से जो भी सेंटर रहेंगे आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। फिर आप अपने हिसाब से यानी कौन से सेंटर में आप जाना चाहते हैं वैक्सीनेशन के लिए वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आना है, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एक टाइम टेबल के द्वारा कि आप कब जाना चाहते हैं, कितने तारीख को जाना चाहते हैं, कितने बजे के बीच में जाना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे वो फिक्स आपका जो अपॉइंटमेंट रहेगा वो बुक हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आपका डेट तो यहाँ पे लिख के अपने आप आ जाएगा, लेकिन आप कितने बजे जाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बाजू में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका अपॉइंटमेंट रहता है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों अभी भी कंफर्म नहीं होगा, यहाँ पे आपको कंफर्म अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आपका जो अपॉइंटमेंट आपने फिक्स किया है वैक्सीनेशन के लिए वो आपका फिक्स हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि आपने अपने सेंटर पर जाके वैक्सीनेशन को लगवा लिया है, लेकिन दोस्तों वैक्सीन लगाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है जिससे मालूम पड़ता है कि हाँ आपने वैक्सीन लगाया है। लेकिन ये दोस्तों सर्टिफिकेट हो जहाँ पे कोई भी डॉक्टर आपको कोई नहीं देगा, आपको खुद ही अपने फ़ोन से डाउनलोड करना होता है। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, इसी आरोग्य सेतु ऐप में आपको जो ऊपर चार ऑप्शन मिलते हैं उसमें एकदम जो आखिरी ऑप्शन है जहाँ आई लिखा है और उसके नीचे कोविन लिखा है उस ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। दोस्तों उस कोविन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा कुछ लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का, इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे आपको एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर उसके नीचे आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उसका जो आखिरी का चार डिजिट है वो आपको दिखाई देगा। दोस्तों उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी पे, रेफरेंस आईडी इधर दोस्तों आपको अपना बेनिफिशियरी आईडी लिखना है। दोस्तों आप जब भी कोई भी सेंटर में जाएंगे वैक्सीनेशन तो वहां पे आपको एक बेनिफिशियरी आईडी मिलता है, उसी बेनिफिशियरी आईडी को यहां पे आपको लिख दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको अपने बेनिफिशियरी आईडी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या होता है, या फिर आपके पास अगर ये नहीं है तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है कि आप बिना बेनिफिशियरी आईडी के कैसे मतलब अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपके पास बेनिफिशियरी आईडी है तो सिंपली आपको वो यहां पे डाल देना है, नीचे गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। फिर यहां पे क्यूआर आ जाएगा, अगर किसी और फोन में आप क्यूआर को अगर स्कैन करते हो तो आप वहां से भी डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ का, उस डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके फोन में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत छोटा फाइल रहता है, इसके लिए फटाक से डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको अपने फोन का एक फाइल मैनेजर का ऐप रहता है, इस फाइल मैनेजर के ऐप को आपको ओपन करना है। फिर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके रिसेंटली में एक डॉक्यूमेंट एडेड रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आप चाहें तो इस सर्टिफिकेट को किसी साइबर कैफे में से भी जाके प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप कुछ इसी तरीके से अपने वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आरोग्य सेतु ऐप की मदद से कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसे ही कमाल की वीडियोस और देखना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।